तो देखिए ये है क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स लेस देन टू एंड माइनस एक्स प्लस टू इफ एक्स ग्रेटर देन टू। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इसका हल, तो यहां पर कोई पॉइंट नहीं बोला है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, ये बात नहीं किया है। तब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे। तो यहां पर एट एक्स इज इक्वल टू सी बी आर्बिट्ररी रियल नंबर, ठीक है, आर्बिट्ररी रियल नंबर, उस पर हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग ये जो आर्बिट्ररी रियल नंबर ले लिए, हम लोग केस ले लेंगे, केस वन, इफ ये जो एक्स इज इक्वल टू सी है ये लेस देन टू ग्रेटर देन टू। अगर मान लीजिए पहला केस ले लेते हैं सी लेस देन टू, देन इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो के जगह लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये जो एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह है सी माइनस एच। और सी माइनस एच मतलब क्या, सी इस केस में टू से छोटा है, ठीक है, तो सी माइनस एच भी वो टू से छोटा ही होगा, टू से छोटा ही होगा। अगर वो टू से छोटा होगा तो देखिए एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो एफ एक्स इजिकल टू अगर एक्स प्लस टू होता है तो ये देखिए एफ एक्स के जगह क्या है सी माइनस एच, तो एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू, मतलब एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू, तो एफ एक्स मतलब सी माइनस एच प्लस टू, ठीक है। तो इसमें अगर एच टेंस टू जीरो रख दें तो ये सी प्लस टू हो जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच, ये क्या होगा, ये भी लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए एक्स के जगह यहां क्या है, एक्स के जगह है सी प्लस एच, और सी का वैल्यू टू से छोटा है, ठीक है, सी का वैल्यू टू से छोटा है। अगर सी का वैल्यू टू से छोटा है तो सी प्लस एच, एच तो टेंस टू जीरो है ना, इसलिए सी प्लस एच का वैल्यू भी वो टू से छोटा ही रहेगा। तब एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो एक्स प्लस टू ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एफ एक्स, एफ एक्स मतलब ये सी, सॉरी ये जो है ना ये सी प्लस एच, सी टू देने में ये हो गया है, ये सी प्लस एच, तो एफ एक्स एक्स के जगह क्या है सी प्लस एच, तो सी प्लस एच मैंने क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो सी प्लस एच मतलब ये एक्स प्लस टू। अब यदि हम लोग इसमें एच टेंस टू जीरो पुट कर दें तो सी प्लस टू हो जाएगा। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, ये क्या हो, सॉरी सी माइनस इसका तो निकल चुका है ना, इसका नहीं, वो तो एफ सी माइनस एच मैंने ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल चुके हैं। तो इसके बाद क्या निकालना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया, तो अभी एफ सी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एफ सी निकालना पड़ेगा। एफ सी क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, ये देखिए एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह सी है, और सी क्या है लेस देन टू है, इसीलिए एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू क्या, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये एफ सी इजिकल टू सी प्लस टू। देखिए क्या होता है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो उसके लिए क्या क्या देखना होता है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए, मतलब दस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, मैंने एफ सी प्लस एच और सी माइनस एच और ये एफ सी तीनों का वैल्यू इक्वल, ठीक है। हैंस द गिवेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दे आर फोर
therefore the given function is continuous at x is equal to c less than 2. मतलब x is equal to c less than 2 पर ये continuous है. अभी case 2. केस टू में क्या, केस टू में हम लोग देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर ये सी अगर टू हो, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू टू पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो टू पर भी हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस टू पर फंक्शन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे. तो क्या यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच, है ना, सी के जगह टू है तो टू माइनस एच इज इक्वल टू, यहां पर देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना, एक्स के जगह यहां क्या है टू माइनस एच, टू माइनस एच, एच टेंस टू जीरो होने से भी कुछ तो है, तो ये टू से अगर कुछ भी जितना भी 0.00001 जितना भी छोटा नंबर घटे लेकिन वो जो है टू से छोटा ही होगा, मतलब ये टू से छोटा होगा, इसीलिए एफ एक्स का जो वैल्यू होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू टू से छोटा होने से एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो इसलिए यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. अच्छा ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो आ रहा है, हाँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो एफ टू माइनस एच है ना इज इक्वल टू टू माइनस एच, ये एक्स प्लस टू, ये इसमें अगर h टेंस टू जीरो पुट कर देना तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब तो देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट. फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f 2 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट h टेंस टू जीरो, देखिए x के जगह इसमें भी क्या है 2 प्लस h है, 2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब ये 2 से बड़ा होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 2 होगा, अगर ये 2 से बड़ा होगा तो एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस टू, देख लीजिए अगर 2 से बड़ा होगा तो एक्स माइनस टू नहीं माइनस एक्स प्लस टू, एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस माइनस एफ एक्स इजिकल टू जो होगा वो माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू अगर माइनस एक्स प्लस टू तो ये है एक्स के जगह, मतलब माइनस टू प्लस एच प्लस टू, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम लोग ब्रिकेट ओपन कर दें, ब्रिकेट अगर ओपन कर दें मैंने ये अंदर वाला, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू माइनस एच प्लस टू, ठीक है, तो ये प्लस टू माइनस टू कट गया, मतलब क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ये माइनस एच, अब और इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो, माइनस जीरो मतलब जीरो. तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट पे फोर निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू फोर निकला, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जीरो निकला, तो क्या होगा इस पॉइंट पर एक्स इजिकल टू टू पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दस, और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के ही इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, दस यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच इज नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो डिसकंटिन्यूअस होता है, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा. अब केस थ्री एट एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर सी ग्रेटर देन टू,
तब क्या होगा, तब लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ये c माइनस h, तब क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट, फिर उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो x के जगह यहां क्या है, c माइनस h है, और c चूंकि 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, अब कितना बड़ा है पता नहीं, और h टेंड्स टू जीरो है, मतलब ये क्या हो जाएगा, c माइनस h भी ये मतलब 2 से बड़ा ही होगा, और तब एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर, अच्छा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, उसके बाद एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2, मतलब माइनस x प्लस 2, तो माइनस x मतलब c माइनस h प्लस 2, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो अगर हम लोग रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस c प्लस 2। फिर राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h टेंड्स टू जीरो f c प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पर x के जगह क्या है देख लीजिए, x के जगह है c प्लस h, और ये c प्लस h क्या है, मतलब c यहां पर इस केस में 2 से बड़ा है, तो c प्लस h भी वो 2 से बड़ा ही होगा, इसीलिए इस केस में एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस x मतलब c प्लस h प्लस 2 ये, और इसमें अगर लिमिट h टेंड्स टू जीरो पुट कर देंगे तो माइनस c प्लस 2। इसके बाद देखिए उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, मतलब एफ सी, एफ सी इक्वल टू क्या है, यहाँ x के जगह क्या है, एफ एक्स होना चाहिए था, x के जगह c है, और ये इस केस में c जो है, इस केस में c ग्रेटर देन 2 है, और इस केस में c जो है वो ग्रेटर देन 2 है ना, x इज इक्वल टू c है जो कि ग्रेटर देन 2 है, और इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो माइनस एक्स प्लस 2, तो एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो एफ सी इजिकल टू माइनस सी प्लस 2, तो ये देखो तीनों बराबर हो गया, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी, तीनों का वैल्यू बराबर हो गया, हैंस यहां पर हम लोग लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 2, मतलब सी का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होने के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2, मतलब सी का वैल्यू 2 को छोड़ करके बाकी सारे मैंने रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, मैंने 2 पर ही कंटिन्यूअस नहीं है ना, देखो क्या है एक्स इजिकल टू 2, 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, लेकिन 2 से छोटा होने के लिए एक्स का वैल्यू, देखिए एक्स का वैल्यू जो सी है वो 2 से छोटा होने के लिए यहाँ पर कंटिन्यूअस हो गया, फिर एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा कुछ भी हो तो वो भी कंटिन्यूअस, मतलब एक्स का वैल्यू 2 से छोटा कुछ भी हो तो कंटिन्यूअस, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा हो तो भी कंटिन्यूअस, मतलब एक्स का वैल्यू 2 को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसके बाद क्या 13 वाला बन जाएगा, 13 वाला समझ में आ गया क्या, देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, यहाँ भी दिया हुआ है ना, हम इसको बना नहीं दे रहे, तुम लोग बनाओगे लेकिन है ना, नहीं बनाने से मतलब दिक्कत है, इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर इफ एक्स जो है लेस देन जीरो, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करना है ना इस फंक्शन का,
तो हो पाएगा कि नहीं, है ना। एक बार कंडीशन लेंगे एट, जैसा इसमें लिए थे एट एक्स इज इक्वल टू सी, हम लोग आर्बिट्री ले लेंगे, और केस वन में लेंगे एक्स इज इक्वल टू सी एक बार ग्रेटर देन जीरो, एक बार लेंगे एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, और एक बार एक्स इज इक्वल टू जो सी है ये लेस देन जीरो। तीनों केस में हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि किस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। हो जाएगा ना। हेलो हेलो सर। हाँ ठीक, तो ये सब हो जाएगा। तुम लोग एक काम करो, इसके बाद का जो मैंने एक्सरसाइज का जो सवाल है ना, इसी टाइप से सब बनेगा, वो सब बनाओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तुम लोग अगर बनाओगे नहीं तो प्रॉब्लम है। तो एक्सरसाइज वाला सवाल सब बनाओ, और आज का क्लास ना हम ज़्यादा नहीं कर रहे, तुम लोग का लोड हो जाएगा। ठीक है, ये सब अगर तुम लोग बनाएगा एक्सरसाइज 5.1 का, बहुत सारा सवाल तुम लोग से बनेगा। अगर अगर मान लो कि नहीं बन पाता है तो कल का क्लास में तुम लोग फिर हमसे पूछोगे। आज का क्लास यहीं पर हम अप करते हैं। कल अगर नहीं बनाओगे तो और हम नहीं क्लास लेंगे तुम लोग का, जब बनाओगे तब हम क्लास लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सब बनाओ, और जहाँ भी दिक्कत होगा बनाएंगे। हाँ क्लास है। हेलो, कल का क्लास थोड़ा जल्दी